न्यूज़। हम आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित कुंडा गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान आजमा बेगम हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में सरकार की अनदेखी के कारण एक भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 85 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 12 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 5 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 110 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व लगभग 40 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है तथा साथ ही साथ ग्राम प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में कोई भी विकास कार्य योजना सरकार के अनदेखी तथा धन के अभाव में लागू नहीं हो पा रही है, जिससे गाँव का विकास अधूरा है। जी, मैं प्रधान पति बोल रहा हूँ जी, और गाँव कुंडा ब्लॉक सरसावा जिला सहारनपुर। हमारे गांव के अंदर जी हमें 3 सड़क बनवाई है, सीसी डलवाई है और खड़ंजा लगवाया है, और जी 16 सोलर लगवाई है और 10 बिजली वाली लाइट लगवाई है, और जी चैनल लगवाए हैं, और क्या स्कूल की मरम्मत करवाई है और नल की जो है मरम्मत कराई है, एक रिबोर करा है अभी। तो उसके अलावा हमारी मांग है ये क्या ले गांव के अंदर शमशान और कब्रिस्तान और जी शौचालय, अभी तक हमारे यहाँ एक भी शौचालय नहीं बना है, इसके लिए हमें शौचालय की मांग की है, और ये बिजली के जो है पोल के लिए भी ज़रूरत है और 2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है।